अरे बबलू, अच्छे से दबा। अरे अरे, नीचे नीचे क्या दबा रहा है, ऊपर दबा। पापा जी, मुझे ऊंचाई से डर लगता है, नीचे ही सही है। क्या ऊंचाई से डर लगता है? अबे साले, ऊंचाई से डरेगा तो बड़ा आदमी कैसे बनेगा? हैं? अरे बड़ा आदमी तो मैं वड़ा पाव खा के भी बन जाऊंगा। पागल। अरे बड़ा आदमी कोई नहीं खाता है वड़ा पाव। वड़ा पाव सिर्फ छोटा आदमी खाता है। नहीं, ऐसा नहीं है पापा जी। मैंने बहुत बड़े बड़े और लंबे लंबे आदमियों को देखा है वड़ा पाव खाते हुए। अरे तू चाहता क्या है? मैं लेना चाहता हूं, कैसे भी हो, कोई भी हो, मुझे एक ढंग की सीधी सादी नौकरी चाहिए, बस। क्या नौकरी, और वो भी इस दौर में? अरे तू सोच भी कैसे सकता है ये सब? मैं सिर्फ सोच ही सकता हूं, कुछ कर नहीं सकता। तो करना। अरे करता क्यों नहीं, किसने रोका है? लेकिन एक बात याद रखना, अपने पिछवाड़े को मजबूत बना ले। क्यों? पिछवाड़ा मजबूत क्यों करना चाहिए? अगर पिछवाड़ा मजबूत होगा तभी इमरजेंसी में कई सारे हवाई जहाजों की लैंडिंग हो सकती है। अच्छा, ऐसा है क्या? और अगर पिछवाड़ा मजबूत नहीं हुआ तो हवाई जहाज क्रैश होगा। ओहो, तब तो बहुत नुकसान हो जाएगा पापा जी। अबे उल्लू, नुकसान की बात कर रहा है तू? नुकसान नहीं, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिंदगी तो वैसे भी बर्बादी है, कहाँ कुछ सही है। जो भी अच्छा काम करने जाओ बुरा हो जाता है, हर जगह ये बुराई बैठ गई है। वो बुराई नहीं है, वो पराई है, वो दूसरे की लुगाई है। अरे आप तो पापा जी एहसान कुरेशी बन गए। और ये कौन है? एक कॉमेडी एक्टर है। हाँ, क्या फर्क पड़ता है कॉमेडी हो या ट्रेजेडी एक्टर हो, सब तो पब्लिक को चूतिया ही बनाते हैं। पापा जी एक बात बताओ, ये चूतिया का मतलब क्या होता है? चूतिया का मतलब होता है बेवकूफ। जो तू है, तू एक नंबर का चूतिया है। हाँ, तू वाकई में एक नंबर का चूतिया है। इतने सालों से मुंबई में पड़ा है, तूने क्या उखाड़ा? कुछ नहीं। मैं उखाड़ने नहीं आया हूं यहाँ, मैं गाड़ने आया हूं। गाड़ने? गाड़ने आया है गड़िया, चल गड़िये। पापा जी,
आपकी पत्नी आपको क्यों छोड़कर भाग गई? अबे बबलू, अबे तू चूतिया है। उसके पैरों में चोट है, वो कभी भाग नहीं सकती। हाँ ये सच है कि वो मुझे छोड़कर अपनी माँ के घर चली गई, लेकिन भाग कर नहीं गई है, आराम से अपने पैरों से हल्के हल्के चलकर गई थी। तो उनकी याद तो आपको आती होगी ना? जो बीत गया है वो अब दौड़ना आएगा, जो चला गया है अब वापस ना आएगा। अब वो नहीं आएगी। हाँ और मुझे उसकी याद भी नहीं आती है, अब मुझे किसी और की याद आती है। संजय चूतिया है ये बुड्ढा, बहुत रंगीन है, बहुत बड़ा वाला रंगीन है। इस उम्र में भी बताओ रंगीला बना पड़ा है, लौंडा बना पड़ा है। ये बुड्ढा लौंडा बना हुआ है। अबे भागता कहाँ है ए लौड़ू? हाँ मैं बुड्ढा नहीं हूँ, मैं लौंडा हूँ अभी, लौंडा।